हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हमारे पास है XUV500W8। तो इसका भी हम लोग गियरबॉक्स उतारने वाले हैं। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z किस तरीके से बहुत ही आसानी से गियरबॉक्स उतार सकते हो, तमाम जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी देख सकते हो हम लोग ऊपर में थोड़ा सा पहले सब खोल ले रहे हैं। तो पहले हम लोग इसका जो बैटरी होता है वो बैटरी को हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो अभी देख सकते हो हम लोग बैटरी निकाल लिए हैं। तो इसका जो बैटरी निकालने के बाद एयर फिल्टर होता है, तो एयर फिल्टर का पूरा कंप्लीट जो असेंबली होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे बाहर में। तो उसको निकालने के लिए आपका सामने में जो एक पाइप रहता है, जो होस रहता है, वो होस का क्लैंप को हम लोग अभी ढीला कर रहे हैं। और पीछे में डीजल फिल्टर जो होता है, डीजल फिल्टर का बगल में एक 12 नंबर बोल्ट रहेगा और सामने में एक छोटा सा क्लिप रहेगा, जो उस क्लिप कहा जाता है उसको। तो अभी अंदर में ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का 12 नंबर बोल्ट लगता है, तो उसको हम लोग निकाल लिए हैं। और इधर में जो क्लिप दिख रहा होगा तो स्क्रू वाला क्लिप है, तो इसको अभी हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो अभी देख सकते हो ऊपर में एयर फिल्टर निकाल लिए हैं, बैटरी का जो बक्सा होता है उसको निकाल लिए हैं। तो इसका अभी हम लोग निकालेंगे जो गियर का तार होता है, गियर केबल। तो गियर केबल जो लॉक में फंसा रहता है वो लॉक को हम लोग निकालेंगे। तो इसका निकालने का जो लॉक रहता है, ये लॉक को आपको अंदर साइड में प्रेस करना पड़ेगा। अंदर साइड में प्रेस करने के बाद आप लोगों को ऊपर साइड में इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। तो लॉक को अंदर तरफ प्रेस करके उसको ऊपर तरफ में खींचिएगा तो निकल जाएगा। तो अभी हम लोग गाड़ी को थोड़ा सा हाइट कर ले रहे हैं। तो अभी देख सकते हो इसका जो चक्का होता है, वो चक्का को हम लोग निकाल ले रहे हैं। और नीचे में जो कुछ जुगाड़ हम लोग फंसा दे रहे हैं, कुछ स्टैंड फंसा दे रहे हैं। तो पहले जो हम लोग का खोलने वाला चीज़ है, तो पहले हम लोग खोलेंगे इसका जो लिंक रॉड होता है, तो वो लिंक रॉड को अभी हम लोग पहले खोल लेंगे। तो चलिए आप लोगों को करीब से दिखाते हैं। तो ये जो आप लोगों को नट दिख रहा होगा, तो ये नट आप लोगों को पहले खोल लेना है। ये लिंक रॉड का नट है, उसको खोलना है। उसका बाद जो एंड होता है, तो एंड को हम लोग खोलेंगे। तो एंड का नट को भी खोल के हम लोग अलग कर लेंगे। उसके बाद नीचे में जो है बॉल जॉइंट जो होता है, बॉल जॉइंट, तो बॉल जॉइंट का नट जो होता है उसको भी हम लोग खोल के अलग कर लेंगे। तो दोनों तरफ हम लोग सेम प्रोसेस में ही खोलेंगे। तो खोलने के बाद आप लोगों को जो नीचे में चैचिस होता है, तो ये जो चैचिस है, ये पूरा चैचिस को जो है हम लोगों को बाहर में निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर नहीं निकालोगे तो गियरबॉक्स शायद मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा, बहुत ही दिक्कत होता है निकालने में। तो इस वजह से हम लोग जो इसका चैचिस होता है, वो चैचिस को हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग खोल लेते हैं। तो इसका चैचिस में और एक चीज़ है, चैचिस में जो रैक फंसा रहता है, तो रैक को जो है बहुत सारा गैरेज में जो देखा उसको खोल लेते हैं। तो अंदर में या तो अंदर में खोलते हैं या तो फिर बाहर से उसको खोल लेते हैं जहाँ पर जॉइंट रहता है। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसका रैक जो होता है, बस सिर्फ हम लोग इसका स्टेयरिंग को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसका रैक को हम लोग चैचिस से अलग कर देंगे। तो अभी देख सकते हो हम लोग स्टेयरिंग लॉक कर दिए हैं। इसका चैचिस जो है, चैचिस में जो बोल्ट टाइट रहता है रैक का, तो वो बोल्ट को हम लोग खोल कर चैचिस से रैक को अलग करके ऊपर में ही रख देंगे। और चैचिस को अलग से हम लोग बाहर में निकाल लेंगे। तो अभी नीचे में जो इसका कवर रहता है, देख सकते हो कवर में कितना भीगा हुआ था ब्रेक ऑयल से। तो नीचे में भी देख सकते हो गियरबॉक्स। तो हम लोग थोड़ा सा अभी इसको क्लीन कर लिए हैं इस वजह से, क्योंकि नीचे में घुस कर अगर हम लोग काम करेंगे तो पूरा बदन में हम लोगों का ब्रेक ऑयल टपकता रहता था। तो इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा सा क्लीन कर लिए हैं। इस वजह से आप लोगों को शायद उतना भीगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीगा था।
तो इसका कवर देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गियरबॉक्स खोलने के बाद आप लोग अंदर में भी दिख जाएगा, ब्रेक ऑयल पूरा भरा रहेगा। तो चैसिस खोलने के लिए पहले तो ये जो बोल्ट दिख रहा होगा, ये सब बोल्ट पहले खोलना पड़ेगा। तो एक बोल्ट है वो, और इधर में आपको राइट साइड में एक बोल्ट दिख जाएगा, सॉरी बोल्ट नहीं है, नट है। तो ये नट खोलना पड़ेगा। नट खोलने के बाद जो पूरा जिसमें नट फंसा रहता है तो वो पूरा स्टैक है, तो वो स्टैक को हम लोग को पूरा खोलना पड़ेगा। तो इधर में अंदर साइड में देख सकते हो, इधर में भी नट लगा हुआ है। तो जिसमें नट फंसा हुआ है उसको तो हम लोग खोलेंगे, उसके साथ जो ब्रैकेट आप लोगों को दिख रहा होगा जेड जेड टाइप में, तो ब्रैकेट जो उसको अलग कर देना पड़ेगा। और इधर में जो एक माउंटिंग है, ये माउंटिंग को हम लोग ऊपर से खोल लेंगे, नीचे से तो इसका नहीं खोलेंगे, ऊपर से हम लोग खोल कर इसको अलग कर देंगे। और साइलेंसर का जो रबड़ फंसा हुआ है तो रबड़ को भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सामने से भी एक माउंटिंग लगा रहता है गियरबॉक्स में, तो ये देख सकते हो, इसका भी हम लोग नीचे से नहीं खोलेंगे, उसको भी हम लोग ऊपर से ढीला करेंगे। तो रैक जो हम लोग खोलेंगे बोले थे, तो देख सकते हो रैक हम लोग ऊपर में कुछ इस तरीके से खोल लिए हैं। तो इसका जो बोल्ट था वो बोल्ट को हम लोग निकाल लिए हैं। अंदर में जो एक बोल्ट है वो बोल्ट हम लोग ढीला कर लिए हैं, लेकिन नहीं निकल रहा बाहर, इसलिए क्योंकि ऊपर में जो है नहीं निकलने का पोजीशन जो है बहुत ही ख़राब है, इस वजह से वहाँ से बोल्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि पोजीशन ख़राब है। तो हम लोग उसको ढीला कर लिए हैं, बस उसको अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो चैसिस जब नीचे हम लोग उतारेंगे तो वो ढीला होकर आराम से अलग से नीचे आ जाएगा। तो अभी देख सकते हो हम लोग अभी इसका जो अंदर का जेड टाइप में जो ब्रैकेट रहता है उसको हम लोग खोल रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं। तो अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। तो उसको निकालने के बाद आप लोगों का अंदर में कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टैक। तो इस स्टैक को खोलने के बाद तभी हम लोग का जो चैसिस है वो चैसिस बाहर में आएगा। तो एक हम लोग खोल लिए हैं, तो खोलने के बाद स्टैक जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो हम लोग चलिए पूरा खोल लेते हैं। तो अभी देख सकते हो चैसिस हम लोग निकाल दिए हैं, रैक हम लोगों का उधर ही रखा हुआ है, और जो एक्सल होता है तो एक्सल को भी हम लोग गियरबॉक्स से अलग कर दिए हैं। तो अभी हम लोग गियरबॉक्स का जो बोल्ट होता है तो बोल्ट को अभी हम लोग निकालेंगे, बोल्ट को हम लोग अभी खोलेंगे। तो कहाँ कौन सा बोल्ट नीचे में कितना बोल्ट रहता है चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा लग जाए कितना बोल्ट लगा रहता है नीचे में। ऊपर से तो आप लोगों को दो बोल्ट दिखेगा और स्टार्टर मोटर जो होता है स्टार्टर मोटर टाइट रहेगा। तो पहले तो आप लोगों को ऊपर में एक बोल्ट दिख रहा होगा ऊपर में, और इधर नीचे में इधर दो हो गया, और साइड से एक दिया हुआ है, इधर हो गया तीन। और इधर स्टार्टर मोटर जो है इधर भी लगा हुआ है, तो हम लोग अभी दिखा नहीं सक रहे हैं क्योंकि दिखा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उधर तक हम लोगों का कैमरा भी नहीं जा रहा है, तो माफ़ी चाहेंगे। और जो माउंटिंग आप लोगों को सामने में हम लोग पहले दिखाए थे, वो माउंटिंग का ब्रैकेट जो गियरबॉक्स में फंसा हुआ है, वो माउंटिंग का साइड से भी अंदर में एक बोल्ट लगा रहता है। तो नीचे से टोटल हम लोगों का हो गया चार, और ऊपर में शायद दो तीन ऐसा कुछ रहेगा, पहले तो बताए हैं। तो अभी देख सकते हो हम लोग गियर इंजन जो होता है इंजन में जैक फंसा दिए हैं, और हम लोग अभी माउंटिंग को ढीला कर ले रहे हैं। तो माउंटिंग को अलग कर देंगे हम लोग गियरबॉक्स से। तो अभी देख सकते हो हम लोगों का गियरबॉक्स बाहर आ चुका है, अंदर में ये इसका क्लच प्लेट है, तो बाहर में हम लोगों का ये गियरबॉक्स है। तो
गियरबॉक्स का अंदर में देख सकते हो कितना भीगा हुआ है, ब्रेक ऑयल जो है अंदर में कितना पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो देख सकते हो। तो अभी हम लोगों का जो सिलेंडर है, क्लच सिलेंडर, तो उसको अभी हम लोग बाहर में निकालते हैं, उसको हम लोग खोल लेते हैं, खोल कर हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करना ज़्यादा झमेला का काम नहीं है, ज़्यादा ही परेशानी का काम नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसानी से चेंज होता है, हो जाता है गियरबॉक्स बाहर रहने से। तो इसको चेंज करने के लिए जो बाकी सारा सामान खोलना पड़ता है, वही थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गया, क्योंकि बहुत सारा चीज़ खोलना पड़ता है और इसका जो गियरबॉक्स है बहुत ही ज़्यादा वेट है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, तो इस वजह से थोड़ा सा खोलने में बहुत ही परेशानी होता। तो अभी देख सकते हो हम लोगों का जो नया वाला क्लच सिलेंडर है उसका भी हम लोग खोल रहे हैं। तो ये इसका पुराना वाला क्लच सिलेंडर है और नया वाला क्लच सिलेंडर देख सकते हो अभी हम लोग पैकेट से निकाल ले रहे हैं। तो इसका क्लच सिलेंडर थोड़ा सा महंगा है, तो ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी देख सकते हो ये नया वाला इसका क्लच सिलेंडर, हम लोग इसको अभी चलो लगा देते हैं। लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा गियरबॉक्स का जो अंदर है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लिए हैं। तो अभी हम लोग इसका क्लच सिलेंडर कुछ इस तरीके से फंसा दिए। तो ये दो काम करता है, एक तो क्लच सिलेंडर का काम करता है और दूसरा रिलीज बियरिंग जो होता है, तो वो रिलीज बियरिंग का भी ये काम करता है, तो एक साथ दोनों काम करता है। तो अभी हम लोगों का गियरबॉक्स फंस चुका है और नीचे भी अभी हम लोग जैचिस को लगा रहे हैं। तो चलिए पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी देख सकते हो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इसका अभी मेन जो काम है वो है क्लच से एयर निकालना। तो क्लच से अगर एयर नहीं निकालोगे तो क्लच काम नहीं करेगा ठीक से। तो इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्लच से एयर। तो अभी देख सकते हो एयर निकाला जा रहा है। इसका निकालने का थोड़ा सा ज़्यादा भी परेशानी वाले काम नहीं है, तो आपको अंदर से क्लच जो है उसको थोड़ा सा पंप कर कर दबा के रखना पड़ेगा। दबा के रखने के बाद बाहर में जो है, बाहर में एक बंदा को इसका क्लच पाइप में एक लॉक लगा रहता है, लॉक को अंदर साइड पे प्रेस करना पड़ेगा। तो लॉक को अंदर साइड में जब प्रेस करोगे तो प्रेशर से थोड़ा सा क्लच ऑयल के साथ एयर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस को दो तीन बार करने के बाद आप लोगों का जो क्लच है वो हार्ड हो जाएगा, तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा फिर से। तो ये जो लॉक दिख रहा होगा, ये लॉक को आप लोगों को अंदर साइड में प्रेस करना पड़ेगा। तो अंदर साइड में प्रेस करने से पाइप जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और उसमें प्रेशर से क्लच ऑयल और एयर बाहर में निकल के आ जाएगा। तो हम लोग अभी इसका क्लच एयर को हम लोग निकाल लिए हैं। तो और जो सामान अभी थोड़ा सा कंप्लीट करने में बाकी है वो सब को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे ट्रायल में, क्योंकि ट्रायल करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रायल अगर नहीं करोगे तो गाड़ी में और प्रॉब्लम फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लच अगर काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसी तो नॉर्मल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि चला के देखना पड़ेगा थोड़ा सा किस तरीके से काम कर रहा है क्लच। तभी हम लोग जा रहे हैं ट्रायल में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ट्रायल हम लोगों का हो गया है तो समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। तो क्लच इसका अभी ओके हो गया है।